हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। मींस हम एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन आखिर करते क्यों हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं कि जिसका हम डायरेक्टली डीएफए हम नहीं बना पाते हैं, या बना भी पाते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसका डीएफए बनाना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का एनएफए बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज का हम एनएफए बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं हम डीएफए में। तो आइए हम देखते हैं कि पहले प्रोसेस क्या है कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए में। आखिर प्रोसेस क्या है आपका कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए में। पहले क्या है, आपको कोई भी लैंग्वेज दी रहेगी तो उसका क्या बनाना है आपको, एनएफए। किसी भी लैंग्वेज का एनएफए बनाना क्या होता है, इजी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। किसी भी एनएफए का क्या बनाना है आपका, ट्रांजिशन टेबल। उसके बाद उस ट्रांजिशन टेबल को आपको डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाना है। मींस जो पहले ट्रांजिशन टेबल बनेगा वो क्या बनेगा आपका, एनएफए का। इसको कन्वर्ट करना है आपको डीएफए में, मींस डीएफए के ट्रांजिशन टेबल में। जब डीएफए का ट्रांजिशन टेबल हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद क्या बना लेंगे हम, डीएफए। मींस द प्रोसेस क्या है आपका, पहले एनएफए बनाना है, उसके बाद उसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है, उस ट्रांजिशन टेबल को आपको डीएफए के ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करना है, फिर उस ट्रांजिशन टेबल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डीएफए में। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे। लेट सपोज कोई हमारे पास क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज डिफाइंड वो है स्ट्रिंग एंड विथ वन। तो इसके स्ट्रिंग्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, 1 0 1 1 1 0 0 1, ऐसे क्या है आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। अब क्या बनाएंगे इसका, पहले एनएफए। एनएफए क्या होगा इसका आपका, सिंपल सा जैसे हमने बना रखा है वैसे इसका एनएफए। जीरो और वन, ये क्या है आपका सिंपल एनएफए। इसका कोई भी स्ट्रिंग वन से एंड होगी तो क्या होगी, एक्सेप्ट। और उससे पहले क्या आ सकता है आपका, नंबर ऑफ जीरो और नंबर वन कितने भी आ सकते हैं। अब क्या कन्वर्ट करेंगे हम इसको इसके ट्रांजिशन टेबल में, ट्रांजिशन टेबल में आपके नंबर ऑफ सिंबल्स क्या हैं, जीरो और वन। आपके नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हैं, Q0 और Q1। अब क्या है ये Q0 क्या है आपका, स्टार्टिंग स्टेट, और Q1 क्या है आपका, फाइनल स्टेट। अब क्या है आपका Q0 जीरो पे कहाँ मूव हो रहा है आपका, Q0 जीरो पे कहाँ मूव हो रहा है आपका, Q0 पे। और Q0 आपका वन पे कहाँ मूव हो रहा है आपका, Q0 और Q1 पे। तो इसको क्या बना लेंगे हम, सेट। क्योंकि हमारे पास NFA में क्या होता है कि कोई भी एक सिंबल पे हम मल्टीपल मूव कर सकते हैं, वो क्या सकता है हमारे सेट्स में। और Q1 क्या है हमारे पास, ना कोई ना जीरो पे कोई मूवमेंट है, ना ही वन पे कोई मूवमेंट है। तो ये है आपका ट्रांजिशन टेबल NFA का। अब क्या करेंगे इसका हम ट्रांजिशन टेबल हम डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे। सिंबल आपका वही रहेगा जीरो और वन, और खाली इस ट्रांजिशन टेबल से हम खाली इसका पहला रो कॉपी करके हम यहां लिखेंगे, क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग सिंबल होगा आपका, क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग सिंबल एनएफए में होगा वही स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा आपका, डीएफए में भी होगा। तो स्टार्टिंग सिंबल आपका Q0 है, तो आप क्या लिखेंगे वही। लेकिन यहाँ पर को क्या है आपका, हम यहाँ मल्टीपल मूव कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा इसको, Q0 Q1, Q0 पे भी जा रहा है और Q1 पे। लेकिन डीएफए में क्या होता है हमारे पास
कि एक सिंबल पढ़ने के बाद एक ही स्टेट पे जाते हैं, तो हम थोड़ा बहुत थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या है आपका क्यू नॉट एक स्टेट, और वन पे क्या है आपका क्यू नॉट और क्यू वन, क्यू नॉट और क्यू वन। कॉमा हटा करके हमने क्या कर लिया, क्यू नॉट और क्यू वन को हमने एक स्टेट बना लिया। मीन्स एक हमारे पास स्टेट है क्यू नॉट, मान के चलिए कि एक स्टेट है हमारे पास क्यू नॉट और एक स्टेट है क्यू नॉट और क्यू वन, मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन का एक स्टेट है ये हमारे पास, एक अलग से स्टेट है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे के पूरे ट्रांजिशन टेबल को कैसे बनाएंगे, अब हमको इस ट्रांजिशन टेबल में नहीं देखना है, अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, क्यू नॉट जीरो पे कहाँ आ पाया, क्यू नॉट पे, और वन पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया। अब क्या है, ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट्स पे भी हमको दिखाना है कि जीरो पे कहाँ मूवमेंट है और वन पे कहाँ मूवमेंट है। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, क्यू जीरो, क्यू जीरो का हमने मूवमेंट पहले ही दिखा चुके हैं, ये क्या है आपका क्यू जीरो का ये मूवमेंट है, तो ये हो गया। अब क्या लेंगे हम, क्यू नॉट और क्यू वन, क्यू नॉट और क्यू वन, क्यू नॉट और क्यू वन, ये क्या आपकी एक स्टेट। अब क्यू नॉट और क्यू वन जीरो पे कहाँ मूवमेंट होगी, तो उसके लिए हम देखेंगे पीछे वाले ट्रांजिशन टेबल में, क्यू नॉट और क्यू वन जीरो पे कहाँ मूवमेंट होगी, तो ये है आपका क्यू नॉट और ये क्या है आपका क्यू वन, क्यू नॉट और क्यू वन। तो क्या करेंगे, जीरो पे जहाँ भी मूवमेंट होगी इन दोनों को क्या कर देंगे हम, यूनियन कर देंगे, दोनों को हम यूनाइट कर देंगे, क्योंकि क्यू नॉट है ये क्यू वन है, इन दोनों रो को क्या कर देंगे हम यूनाइट। तो जीरो पे क्या है, इन दोनों का अगर यूनाइट करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन भी करेंगे तो क्या आएगा आपका क्यू नॉट। अब क्यू नॉट और क्यू वन वन पे कहाँ मूवमेंट होगी, यहाँ के देखिए वन पे क्या है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम यूनियन, तो क्या आएगा आपका क्यू नॉट और क्यू वन, क्यू नॉट क्यू वन, जो हम एक ही स्टेट में लिखेंगे। तो यह हो गया आपका ट्रांजिशन टेबल। अब इसके जहाँ जहाँ स्टेट्स में पहुँचे हैं हम जीरो और वन के बाद, अब उनका भी आपको हमको दिखाना है कि वो जीरो और वन के बाद कहाँ मूव होंगे। तो पहला स्टेट आ गया आपका क्यू नॉट, इसका हम दिखा चुके हैं कि क्यू नॉट कहाँ पर मूवमेंट होने वाला है, और दूसरा आपका क्यू नॉट क्यू वन, इसका भी हम दिखा चुके हैं। इसका मतलब ये ट्रांजिशन टेबल फिलअप हो चुकी है कि इतना ही होगा। अब इसमें फाइनल स्टेट कौन सा होगा, इनिशियल स्टेट तो आपका क्यू जीरो हो गया, अब फाइनल स्टेट के लिए आप ये देखेंगे कि यहाँ कौन सा फाइनल स्टेट है, आपका क्यू वन फाइनल स्टेट है। और यहाँ पर को आप किसी भी सेट में, मतलब कोई भी आपका ऐसा स्टेट आएगा जिसमें आपका क्यू वन होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनल स्टेट, मीन्स ये क्या है आपका फाइनल स्टेट। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसका DFA, तो DFA क्या आएगा आपका, स्टार्ट कहाँ से आएगा आपका क्यू जीरो से, क्यू जीरो से, जीरो पे कहाँ है आपका मूवमेंट, जीरो पे कहाँ है आपका क्यू जीरो पे, वन पे कहाँ है आपका क्यू नॉट और क्यू वन पे, वन पे कहाँ है क्यू नॉट और क्यू वन, ये आपका कोई भी स्टेट हो गया। अब क्यू नॉट और क्यू वन जीरो पे कहाँ जा रहा है आपका, जीरो पे कहाँ है आपका क्यू नॉट पे, और वन पे कहाँ है आपका अपने ही स्टेट पे, और फाइनल स्टेट क्या है आपका जिसमें वन, मींस ये क्या है आपका क्यू नॉट क्यू वन आपका क्या है फाइनल स्टेट। अब देखते हैं कि ये DFA इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, मींस इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए जैसे वन स्टार्ट किया हमने क्यू जीरो पे, वन आया एक्सेप्ट, जीरो वन ये जीरो फिर वन एक्सेप्ट, वन वन मीन्स वन और वन एक्सेप्ट, अगर कोई भी स्ट्रिंग है वन जीरो तो मीन्स ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स वन और जीरो मीन्स एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मीन्स ये DFA इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखिए इस DFA में क्या है आपका जीरो पे भी मूवमेंट है, वन पे भी, यहाँ पे क्या है जीरो पे और वन पे, मीन्स ये क्या है आपका NFA टू DFA कन्वर्जन, मीन्स इक्विवेलेंट ये आपका DFA है।